वंदे गौमात्र मित्रों, आज हम आपको एक औषधीय योग बताने जा रहे हैं। ये आप बाजार से ला सकते हैं। पहले हम आपको बता दें कि इसके लाभ क्या हैं, ये किस किस रोग में काम करता है। मित्रों, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, आरंभिक अवस्था में ये जो हम बताने जा रहे हैं, इसका नाम चित्रका दीवटी है। ये बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको बता दें पेट के कौन कौन से रोगों में, जैसे पेट में भारीपन है, पेट जाम है यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा है, या दस्त हो रहे हैं, दोनों स्थिति में काम आता है। यानी कि दस्त हो रहे हैं तो दस्त को भी रोकेगा और पेट साफ नहीं हो रहा तो पेट को साफ भी करेगा। पर दस्त हो रहे हैं तो उसमें एक स्थिति इसकी ये बनती है कि यदि आपने कुछ खाने पीने में गड़बड़ की है और आपको दस्त हो रहे हैं तो ये औषधि आपको खाते ही दस्त नहीं रोकेगी। क्या करेगी, जब तक वो कचरा नहीं निकल जाएगा तब तक दस्त आपके नहीं रुकेंगे, भूल जाइए इस बात को। पर कचरा साफ होते ही दस्त रुक जाएंगे और ये औषधि बहुत अच्छा काम करेगी। उसके अलावा अफारा हो जाए पेट में, जैसा कि भारीपन बताया, गैस हो जाए, कब्ज़ हो जाए, एसिडिटी हो जाए, मतलब पेट में, ये आँव में भी यदि आरंभिक समय है आँव का तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अब आपको हम और बता दें, इसके अलावा कभी कभी सर दर्द होता है जो गैस के चढ़ने से भी होता है तो उसमें भी ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद किसी किसी को सूखी खांसी आती है, अर्थात ऐसा लगता है गले में कुछ अटक गया है, कुछ रुका पड़ा है, वो निकल नहीं पा रहा है, उसको हम उतार भी नहीं पा रहे हैं, खराश जैसा गले में अटक जाता है, वो निकलता भी नहीं और उतरता भी नहीं। उस सूखी खांसी में भी, और उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खांसते हैं, तो उस सूखी खांसी के लिए भी ये बहुत ही कारगर औषधि है। मित्रों, सामान्यतः छोटे बच्चे हों, 10 साल के कम आयु के हों, तो दिन में 4-5 गोलियां दे सकते हैं, एक एक करके दिन में 4-5 बार दे सकते हैं, क्योंकि हानिकारक नहीं है, क्योंकि इसका मैंने पूरा विधिवत पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ तो मेरा जब बच्चा 5 साल का था तब उसे एक बार दस्त हुए थे और उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उल्टियों में भी अच्छा काम करता है क्योंकि पेट से संबंधित किसी भी रोग में काम करता है। तो मैंने उसको एक दिन में 6 से 7 गोलियां दे दी थी क्योंकि मुझे पता है इसका नुकसान कुछ नहीं है। तो इसको आप अच्छे से बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इतना ही ध्यान रखें आदत में ना लाएं, कोई भी वस्तु प्रयोग करने में उसकी आदत ना बनाएं। हमें रोटी दाल चावल खाने की आदत है, वो अलग विषय है, हमें पानी पीने की आदत है, सांस लेने की आदत है, वो अलग विषय है, पर हमें औषधियों की आदत नहीं बनानी चाहिए। उनको हमें उस समय प्रयोग करके कुछ बात छोड़ देना चाहिए। तो जैसे समय आवश्यकता है तो बड़े हैं, 10 साल के ऊपर हैं तो दिन में आप 10-12 गोलियां तक सेवन कर सकते हैं, 2-2 गोलियां करके आप 4-4 घंटे में ले सकते हैं, नुकसान नहीं होता। और हाँ, चूस के लेंगे तो और अच्छा काम करता है। और यदि आपको एसिडिटी हो रही है तो आप इसको खाली पेट जल के साथ ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले तो कोई समस्या नहीं है। इस औषधि का ये है कि आप कभी भी ले सकते हैं, पर हाँ ज़्यादा है समस्या तो खाली पेट ले लीजिए तो अच्छा काम करेगा। उसके अलावा ये यदि आपको पेट में गैस है, भारीपन रहता है यानी कि फूलापन रहता है, तो आप इसको छाछ के साथ लें और भोजन के बाद लें, और छाछ खट्टी ना हो, फ्रिज की बासी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। गौ दूध की तक्र हो तो ज़्यादा, तक्र यानी छाछ हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह आप इस औषधि का प्रयोग करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा काम करती है। मित्रों, मैं इस पर आपको अनुभव बताऊँ, मेरे पास मैं जो क्लास चलाती हूँ उसमें कई बार कुछ लोग आते हैं जो खांसते खांसते आते हैं, अर्थात उनको खांसते ही रहते हैं। उनको हम 10-10 साल पुराने खांसी को हमने इसकी करीब 5 दिन की ये चित्रका दीवटी देकर सूखी खांसी को हमने ठीक किया है, और लंबी खांसी वही चलती, कफ वाली खांसी थोड़े समय रहती है और ठीक हो जाती, कफ ठीक होते ही हो जाती है, लेकिन सूखी खांसी जो उसकी अवधि कई बार बहुत अधिक लंबी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका सेवन करेंगे, आपको बहुत कारगर होगा। एक बार हमने एक बच्चे पर प्रयोग किया था, बच्ची बहुत छोटी थी, करीब 5 साल की बच्ची थी, उसको हमने उस पर हमने प्रयोग किया था। 2 डॉक्टरों की दवा उसकी चल रही थी एलोपैथ की, और हम जब उसके यहाँ गए तो हमने देखा कि वो बच्ची बहुत खांस रही है। घर वालों ने बताया कि इसको सूखी काली खांसी डॉक्टर ने बताई है। तो जब वो खांसी, तो मैंने देखा कि अक्सर होता कि ये खांसी कब आती है, आपको बता दूँ, ये खांसी भोजन करने के 1.5 घंटे बाद आती है जो सूखी खांसी होती है, या फिर कहें तो आपको खाली पेट आती है। तो ऐसी स्थिति में जब खांसी आती तो कई बार भोजन निकलता नहीं है, पर हाँ ऐसा लगता है सब निकल जाएगा, और निकलता हल्का फुल्का ये और कड़वा निकलता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस चित्रका दीवटी का 2-2 गोली का दिन में 3 से 4 से 5 बार आप सेवन कर लीजिए, आपको 2 से 1 ही दिन में 1 बार गोली लेते ही आपको आराम
होने लगेगा। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि उठ रही, उससे पहले आप ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, रोग बढ़ने के बाद आप लेते तो उसका जल्दी असर नहीं होता, उससे पहले ले लें। जैसे कि बताया, हानि नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं, बस उतना ही ध्यान रखें आदत ना बने। और आपको कोई जैसे खांसी वगैरह हफ्ते भर लेके आप इसको बंद कर दीजिए। बस हाँ, ये औषधि आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। ये आपको पतंजलि में भी मिल जाएगी, वैद्यनाथ की भी बनती है। मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि विज्ञापन मैं करना नहीं चाहती, पर हाँ मुझे औषधि अच्छी लगी, इसका प्रयोग बहुत अच्छा, उपयोग बहुत अच्छा, इसलिए हमने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने मित्रों को बताइए, और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य रक्षा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और कोई समस्या तो टिप्पणी वीडियो पर करिए या इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।